हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और चीकू को देखिए क्या कर रहा है। चीकू भी सो के उठ गया। बेटा गुड मॉर्निंग बोल दो। बेटा नहीं बोलेगा, बोल दो ना, फ्रेंड है ना, दोस्त है, बोल दो। बाप रे, चीकू गुस्सा हो गया। और गाय जब मॉर्निंग के 8 बज गए हैं और चीकू अब भी सो के उठा है। इसको हम पीटी करेंगे। इतना लेट से क्यों सो के उठा है तुम लड़का? इसको क्या पीटी करिए, तो मुझे ही पीट रहा है। तो गाइज आज हम जल्दी सो के उठ गए थे और चीकू थोड़ा लेट से सो के उठा है आज, तो इसलिए मेरा जल्दी जल्दी काम सारा फिनिश हो गया। बट अभी ब्रेकफास्ट नहीं बना है क्योंकि हमें मॉर्निंग में मन नहीं करता कुछ खाने का, तो हम अभी गुलकोंडी पी लिए हैं। और चीकू अभी तो कुछ नहीं खाया, तो इसके लिए जाने कुछ लेके आते। कुछ खाता ही नहीं है लड़का, तो चलिए। ये बाप रे, और जितना देखे गाइज हम क्या इसको ठीक करेंगे। हम सोचते डेली सोचते हैं कि हम रैक को ये सब को सही करेंगे, इतना सामान इधर से उधर है। बट ये लड़का क्या करता है ना कि जो भी सामान हम इस पे रखते हैं ना, सारे नीचे फेंक देता है। क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है। कुछ सही सलामत नहीं रहने देता है ये लड़का, बस बदमाशी करता है। और खाली अभी ये गुस्सा में इसलिए है ना क्योंकि इसको फ़ोन चाहिए और आज हम फ़ोन इसको मॉर्निंग से नहीं दिए हैं। आज इसको फ़ोन नहीं मिलेगा, चीकू को फ़ोन नहीं मिलेगा आज, इसीलिए ये गुस्सा हो गया है। और गुस्सा से देख रहे हैं सारा पिल्लू उल्लू सब फेंक दिया है नीचे, क्योंकि इसको फ़ोन चाहिए और मम्मा इसको फ़ोन दी नहीं है। अभी हम इसको फ़ोन देंगे तो 1 घंटा में ही सारा नेट ख़त्म हो जाएगा। 1 घंटा भी नहीं चलेगा, पूरा नेट मॉर्निंग मॉर्निंग में ही ख़त्म। फिर पूरी दिन हम ऐसे ही रहते हैं, बिना नेट का हमें रहना पड़ता। कुछ देखना भी फ़ोन में तो हम देख नहीं पाते क्योंकि नेट ही नहीं रहता है। चीकू टीवी देखोगे? टीवी देख, फ़ोन में ही कार्टून देखेगा, टीवी में नहीं देखता है कोई कार्टून, बस फ़ोन में ही देखेगा। तो इसलिए ये गुस्सा में है और बैठा हुआ है। आज ये नहाया भी नहीं है अभी तक गुस्सा से। हम बोले चलो नहा देते हैं तो नहीं नहाया है, बोला नहीं नहाना है आज हमको। काम करोगे? चलो काम कर लेना। नहीं, क्यों नहीं काम करोगे? तो पीटी हम करेंगे, मम्मा तुमको पीटी करेगी। चीकू मम्मा पीटी करेगी। तो गाय जब भी हमें जाना है, थोड़ा चाय बना लेते हैं क्योंकि अभी तो 8 ही बजे हैं, तो मिस्त्री लोग 9 बजे ऐसे आता है। तो हम चाय बना के और थर्मस में रख देते हैं, वो लोग जब आते हैं तो हम अपना जाके देख भी लेते हैं कि कैसे क्या काम चल रहा है, और चाय भी उन लोगों को दे देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा किचन में और थोड़ा देखते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट में बनाए आज। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में मेरे आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस। और आज हम आपको कुछ दिखाएंगे नया चीज़, है ना बिट्टू? और चीकू भी साथ साथ दिखाएगा। तो गाइज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे भाई का शादी था, आप लोगों को पता ही है, अभी 1 महीने हुए हैं शादी का। तो हमें मम्मी के तरफ से क्या क्या मिला, मम्मी पापा की तरफ से, जो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और हम लोगों को, हमें भी मिला है और इसके पापा को भी मिला है, चीकू को भी मिला है, तो हम सबका दिखाएंगे। चीकू का भी आया नहीं है क्योंकि इसका भी दुकान में ही है सामान, तो इसलिए इसका भी आ जाएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरा और चीकू के पापा का मिल गया हुआ है हम लोगों को। तो गाइस शादी में इतना ज़्यादा व्यस्त हम लोग हो गए थे कि हम लोग वीडियो भी सही से नहीं बना पा रहे थे। और ख़ुद बनाना वीडियो, आप लोगों को पता ही कि हम खुद बनाते हैं वीडियो और ख़ुद एडिट भी करते हैं, तो इसलिए हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम वीडियो सब कुछ का बनाएं और आप लोगों को दिखाएं गाइस, तो इसके लिए सॉरी। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम, मुझे क्या मिला है, हम क्या दिए, सब आप लोगों को दिखाएंगे। और हम कुछ अपना ज्वेलरी शॉपिंग भी किए थे शादी में पहनने के लिए, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहें। फिलहाल तो हम अभी जा रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं खाने के लिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं। चीकू तुम नहाए नहीं नहीं करोगे ना? थोड़ा सा गुड मॉर्निंग बोल दो फ्रेंड को। गुड मॉर्निंग। कौन सा चाइनीज बोल रहा है चीकू? अब बेटा बेटा नोज कहाँ है बेटू? नोज बता दो। नोज, आइज, 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 हैंड, हैंड, पता नहीं कौन सा भाषा बोल रहा है। अच्छी को घर का है बेटा? घर, घर का है बाजी, सारा कुछ बोलता है गाय। अभी कुछ नहीं बोला, इतना बदमाश हो गया ना, इसको क्या बताए, इसको थप्पड़ लगेगा ना फिर ये समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, और किचन में तो इतनी गर्मी लगती है कि मन नहीं कर खाने का। मॉर्निंग मॉर्निंग नहा लो और उसके बाद फैन के पास बैठो तो मज़ा ही कुछ और होता है।
तो चलिए हम किचन में बनाते हैं कुछ। तो गाइस ये भिंडी है और ये ताज़ा ताज़ा भिंडी आज ही पेड़ से तोड़ के लाई है आंटी जी तो मुझे दी है और मुझे भिंडी का सब्जी बहुत अच्छा लगता है तो हम इसका सब्जी भी बनाएंगे। और कितने दिन से भिंडी नहीं खा रहे थे तो हम ज़्यादा भिंडी नहीं लिए हैं क्योंकि सिंगल है चीकू तो भिंडी खाएगा नहीं तो उतना क्या करते लेके, तो बस इतना ही भिंडी लिए हैं और इसका सब्जी बहुत हो जाएगा इतना नहीं। तो अभी हम इसको पहले वाश कर देते हैं। तो भिंडी का सब्जी कितने लोगों को नहीं पसंद है, बहुत लोग हैं जो भिंडी का सब्जी नहीं खाते हैं। पहले मैं भी नहीं खाती थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। अच्छे तरीके से बनाओ तो अच्छा लगता है और अच्छा खाने में भी लगता है। तो कैसे हम बनाते हैं आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। हाँ क्या हुआ, जूस पियोगे? जूस पहले चीकू को जूस दे देते, कार्टून देखिएगा चीकू, जूस पी लो थोड़ा सा जूस पी लो इसमें, आज फिर ला देंगे खरीद के। क्यों क्या दिया, सारा जूस फेंक दिया लड़का बदमाश। तो चीकू काम को इतना बढ़ा देता है कि क्या बताएं, जूस उसको दिए पीने के लिए सारा जूस नीचे गिरा दिया है तो उसमें लग गए हैं। तभी भिंडी को छोटा छोटा टुकड़ा में हम काट लेते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज में काट लें। तो सारे भिंडी को हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे और कोई भी इंसान उसको पहले से कुछ नहीं आता है बनाने तो वो किसी को देख के, हमें भी पहले तो नहीं अच्छा लगता था तो बनाने का अपना अच्छे से तरीका भी पता नहीं था कि किस तरीके से बनाए, बट धीरे धीरे हम भी देखे किसी को बनाते हुए तो हमें भी लगा कि हाँ इस तरीके से बनाना चाहिए तो अच्छा लगता है। और जो चीज़ नहीं आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है बनाने का तरीका ही नहीं पता हो, और जब अच्छा से बनता है तो अच्छा ही लगता है खाने में, तो इसलिए हमें भी अच्छा लगता है भिंडी खाने में। तो अभी हम तेल डाल देते हैं कढ़ाई में। हाँ बेटा अभी खाना नहीं बना है ना, बनेगा तो मैं खाओगे। थोड़ा सा राई डालेंगे, ये पीला वाला है, थोड़ा सा पंचफोरन डालेंगे, और जब ये अच्छे से पक जाएगी तो हम उसको गैस से उतार लेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो गाइस भिंडी की सब्जी ऐसे ही बनती है और अभी हम उसको पकने देते हैं अच्छे से, जब वो पक जाएगी तो फिर हम गैस से उतार देंगे उसको और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। रोटी फिलहाल अभी हम बना लेते हैं, उसके चाय भी बनाना है, फिर हम ज़मीन पे जाएंगे, भैया लोग भी आ गए होंगे ज़मीन पे तो हम वहाँ पे जाएंगे। पहले हम आप लोगों को गोल्ड दिखा देते हैं कि मुझे मम्मी क्या क्या दी, तो चलिए तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई की शादी में मम्मी पापा हम लोगों को क्या दिए। तो ये देखिए मेरा गोल्ड का खजाना है इसमें। तो पहले हम अपना दिखाते हैं कि हमें क्या मिला, और मेरा फेवरेट है ये, बहुत मुझे बहुत मन था कि ऐसा मुझे मिले। तो
तो हम खरीदे तो नहीं बट मम्मी से खरीदवा लिए। मम्मी मुझे दे रहे थे, हम बोले मुझे मेरे पसंद का बनवाओ, तो फिर ये हम बनवाए हैं गाइस। ये देखिए ये सुंदर है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके देते। तो गाइस ये हॉलमार्क का 916 है, तो गोल्ड भी बहुत अच्छा है और इसका जो टॉप्स है वो बहुत हैवी है, बहुत अच्छा लगता है। इसको हम सिंगल भी पहन सकते हैं और इसके साथ भी पहन सकते हैं। और ये लड़ी हम बनवाए हैं, इसको हम ऑनलाइन देखे थे, तो हम लोग जहाँ पे गोल्ड लेते हैं वहाँ पे अंकल को बोले कि हमें सेम बनाना है ऐसा डिज़ाइन, तो वो सेम बनाए ऐसा डिज़ाइन। ये देखिए आप लोग, ये नीचे से झुमकी है मंदिर डिज़ाइन में, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसको हम ऐसे भी निकाल के किसी दूसरे टॉप्स में भी पहन सकते हैं और इस सिंगल टॉप्स भी इसको हम पहन सकते हैं। तो अच्छे से दिखाते हैं, ये देखिए सिंगल टॉप्स भी इसको हम पहन सकते हैं और इसको दूसरे टॉप्स में भी लगा के पहन सकते हैं। तो गाइस ये सुई धागा है और जो छोटा टॉप्स आता है सुई धागा का वो मुझे उतना पसंद नहीं है, तो हम इसलिए बड़ा टॉप्स लिए, इसमें हम इसको लगाए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फेवरेट ये बन गया और मैं जब पहनती हूँ तो बहुत सुंदर लगता है। फिलहाल हम अभी नहीं पहनेंगे इसको क्योंकि हम जब पहनते हैं तो चीकू घींच घींच के मेरा ये बड़ा कर देता है कान का, तो इसलिए हम इसको पहनेंगे नहीं अभी। पार्टी वार्टी में पहनेंगे या कहीं जाएंगे तो पहनेंगे। एक दिन के लिए हम इसको पहने थे, मेरा चीकू इतना उसको घींच रहा था कि क्या बताएं, दर्द होने लगा था। और चीकू के पापा का मिला ये गाइस, ये देखिए ये भी बहुत बड़ा है। और ये हनुमानी है और ये भी हैवी है, तो ये भी 916 हॉलमार्क का ही है। तो इसके पापा को गाय छोटा हनुमानी मिला था, शादी में ही मिला था, तो थोड़ा छोटा था। ऐसे तो एक चैन मिला था, तीन चार अंगूठी मिला था, हनुमानी भी मिला था, कितना सारा मिला, मम्मी को खर्चा हो गया। तो मम्मी थोड़ा छोटा इसे हनुमानी दी थी जो इनको पसंद नहीं थे, तो ये पहनते नहीं थे कभी कभी, शुरू में पहने एक दो बार, उसका भी पहनते नहीं थे, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी बोली कि हम अंगूठी देते हैं इनको, तो हम बोले कि अंगूठी भी इतना ही में होगा और ये हनुमानी भी उतना ही का होगा, तो हनुमानी भी बना दो क्योंकि अंगूठी तो ये पहनेंगे नहीं, कितने सारे अंगूठी पड़े हैं पहनते नहीं है। हनुमानी रहेगा तो जब आएंगे तो अपना डेली पहना करेंगे और अंगूठी तो ऐसे पार्टी उटी में भी पहनेंगे, तो इसलिए मम्मी हनुमानी ही बनाई। और जब ये हनुमानी बना तो ये डेली पहनते थे, इनको बहुत पसंद है, ये भी उनका फेवरेट बन गया था। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, हनुमानी का डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है और पीछे जो ये लगाए हैं ना इसमें, ये बहुत सुंदर लग रहा है। वो अंकल ही इसमें लगाए, जहाँ हम लोग गोल्ड लेते हैं वही अंकल लगाए, खुद से लगाए और डिज़ाइन भी इसका बहुत सुंदर बनाए अंकल। तो फाइनली यही दो चीज़ हम लोगों को मिला है।